लाइलाज के इलाज का सबूत शीर्षक से बहुप्रशिक्षित कार्यक्रम दिल्ली के एलटीजी ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। प्रमुख हस्ती डॉक्टर विश्वस्वरूप राय चौधरी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पहले से असाध्य माने जाने वाले रोगों से पीड़ित रोगियों की आश्चर्यजनक चिकित्सा रिकवरियां पेश की गई। चिकित्सा पेशेवरों, शोधकर्ताओं और रोगियों की सभा का www.coronakal.tv, सुदर्शन न्यूज और साधना टीवी पर सीधा प्रसारण किया गया, जो दुनिया भर में लाखों लोगों तक पहुंचा। ये कार्यक्रम उन रोगियों की सफलता की कहानियों पर केंद्रित था जिन्होंने असाध्य प्रतीत होने वाली बीमारियों से उल्लेखनीय सुधार का अनुभव किया था। कुछ रोगियों ने स्वास्थ्य के प्रति अपनी यात्रा साझा की और अपने असाधारण परिवर्तनों का समर्थन करने वाली अपनी चिकित्सा रिपोर्ट और साक्ष्य पेश किए। बड़ौदा के पारुल अस्पताल में इलाज कराने वाले पठान अब्दुल गफूर ने अपनी स्थिति के कारण 2 से 3 डायलिसिस सत्र सहने के अपने अनुभव को बताया। हालांकि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी द्वारा अपनाए गए नवीन उपचार दृष्टिकोण के माध्यम से गफूर के स्वास्थ्य में अप्रत्याशित सुधार हुआ और उन्होंने अपने प्रारंभिक पूर्वानुमान की बाधाओं को खारिज कर दिया। लक्ष्मी की कहानी भी इसी तरह की है, भावनाओं को प्रदर्शित करती है, क्योंकि अभूतपूर्व उपचार अपनाने से पहले वह उदयपुर के महाराणा भोपाल अस्पताल में 2 से 3 डायलिसिस सत्र से गुजर चुकी है। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर विश्वस्वरूप रॉय चौधरी ने फिश टैंक मॉडल फॉर हार्ट केयर नामक पुस्तक लॉन्च की। पुस्तक में उस सफल दृष्टिकोण के पीछे के सबूतों और कार्यप्रणाली का व्यापक रूप से दस्तावेजीकरण किया गया है, जो दुनिया भर में अनगिनत रोगियों के जीवन को बदल रहा है। डॉक्टर विश्वस्वरूप रॉय चौधरी, जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री, डायबिटीज में स्नातकोत्तर डिग्री और डायबिटीज CKD में PhD के साथ अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध है, भूतपूर्व GRD प्रणाली के आविष्कारक भी है। उन्होंने कहा कि आज का दिन एक महत्वपूर्ण अवसर है जहां हम असाध्यता की धारणा को चुनौती देते हैं और नवीन चिकित्सा दृष्टिकोण की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इन उल्लेखनीय रोगियों की रिकवरी इस बात का प्रमाण है कि सही ज्ञान और पद्धतियों के साथ हम उन बीमारियों पर विजय पा सकते हैं जो कभी असंभव मानी जाती थी। GRD प्रणाली के साथ हृदय देखभाल के लिए हमारे फिश टैंक मॉडल ने चिकित्सा उपचार के क्षेत्र में नए मार्ग खोले हैं। आइए इस दिन को उन लोगों के लिए आशा की किरण बनाएं जो असाध्य बीमारियों से उपचार चाहते हैं। और क्या कुछ कहा मीडिया के सामने, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। देखो, मैं ये कहना चाहूंगा, 75 साल हो गए भारत को आजाद हुए हुए, लेकिन आज भी हम अंग्रेजों के चंगुल से आजाद नहीं हुए। पहले अंग्रेज डायरेक्टली भारत को गुलाम बना के रखा था, अब उन्होंने अंग्रेजी दवाइयों से गुलाम बना के रखा हुआ है। तो अब वक्त आ गया था, हमें भी लगा इतने साल हो गए पीछे कोरोना नाम का इतना बड़ा प्लैंडेमिक चलता रहा, तो अब कैसे इस मेडिकल माफिया से, फार्मा माफिया से लड़ी जाए या कैसे इनको अपनी बात समझाई जाए। तो हम लोगों ने क्या किया, जितनी भी इनक्योरेबल डिजीज ये लोग बोलते हैं, किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, थैलीसीमिया, हार्ट प्रॉब्लम, जिनका ये बोलते हैं कोई इलाज नहीं है, जिंदगी भर दवाई खाने पड़ेंगे। वैसे इलाज तो इनके पास किसी का भी नहीं है, ये तो शुगर को भी जिंदगी भर गोली खिलाते हैं, बीपी की भी जिंदगी भर गोली खिलाते हैं, थायराइड की भी जिंदगी भर गोली खिलाते हैं। और शायद आप लोगों को पता है कि नहीं पता कि जितनी भी गोलियां भारत में बिकती हैं, हम लोगों ने पिछले महीने एक टोटल लगाया था लगभग 18 करोड़ गोलियां महीने की बिकती हैं, बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द सब मिला के। इनके जितने भी पेशेंट जर्मनी, यूरोप, यूरोपियन कंट्रीज के पास है, पेटेंट के नाम पे इसका बहुत बड़ा हिस्सा देश से बाहर जा रहा है। तो फिर एक ही तरीका है कि भारत के लोग भारत की पट्टी से स्वस्थ हो जाएंगे, तो उसका एक ही तरीका था कि आप दुनिया को बताएं कि ये बीमारियां लाइलाज नहीं है। इच्छा शक्ति से खाने पीने में परिवर्तित करके, सूर्य डूबने से पहले खाना खाके, और जो डॉक्टर BRC ने ग्रैड सिस्टम का आविष्कार किया, एक गर्म पानी के टब में बैठना, उन सबका उपयोग करके, नंगे पांव घास पे घूम के, जिनको होते हैं उनसे बीमारियां ठीक हो सकती है। तो आज इस प्रोग्राम में हम लगभग किडनी फेल के 5 पेशेंट जिनका डायलिसिस चलता था अभी बंद, लीवर फेल के 2 पेशेंट जिनका डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट कराया था अभी नहीं हुआ, बिना उसके ठीक है। इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर के 3 पेशेंट जो डॉक्टर ने बोला था सर्जरी करनी पड़ेगी, कीमोथेरेपी, वो ठीक है। ऐसे ही हार्ट के, ऐसी बीमारियों के पेशेंट जो डॉक्टर ने बोला था बिना ऑपरेशन कर दिए। इसके अलावा थैलीसीमिया के 5 बच्चे जिनको हर 15 दिन में या महीने में ब्लड चढ़ता था, अभी उनको 8 महीने से 10 महीने से बिल्कुल ब्लड का 1 यूनिट भी नहीं था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमने पूरी भारत सरकार, हेल्थ मिनिस्ट्री, आयुष मंत्रालय और भारत के हर मुख्यमंत्री, हर MP, हर MLA को चिट्ठी डाली कि आज की डेट में हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजिए और चेक करो। तो सिर्फ 2 या 3 MP
और उनके रिप्रेजेंटेटिव और तीन चार रिप्रेजेंटेटिवों की मैसेज आए कि हम लोग आ रहे हैं, तो वो भी पहुंचे हुए यहाँ पे, तो हम उनके सामने पेशेंट पेश करेंगे कि आप खुद देखिए कि बड़ी बड़ी बीमारियां जिसमें व्यक्ति गरीब हो जाता है, बीमार हो जाता है, घर बिक जाता है, कर्जा चढ़ जाता है, वो बड़ी आसानी से घर पे भी ठीक हो सकते हैं। तो इस बात को हम पूरे भारत में फैलाना है। इतनी सारी बीमारियों का, जैसे डायलिसिस के पेशेंट है जो बोलते हैं कि डायलिसिस करते रहना पड़ेगा, या इंसुलिन डिपेंडेंट छोटे बच्चे जिनको बोल देते हैं कि अब जिंदगी भर इंसुलिन पे रहना पड़ेगा, रहते भी हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स, इसके अलावा कैंसर और हार्ट पेशेंट्स, तो इन पेशेंट्स के लिए घर बैठे ही जो लास्ट स्टेज बोल दिया जाता है, तब की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे स्टेज की बात मैं करने जा रहा हूँ, घर बैठे ही ये पूरी तरह ठीक हो सकते हैं और ठीक हुए हैं। तो ऐसे पेशेंट्स पूरे देश से, लगभग हर स्टेट से कम एक एक पेशेंट आए हैं, उससे ज्यादा आए हैं। तो आपको देखेंगे यहाँ पे सारे पेशेंट्स एक टाइम पे डायलिसिस के थे, 5 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, और अब 2 साल से पूरी तरह मुक्त हैं और डायलिसिस से एकदम हेल्दी हो गए। तो जो एक षड्यंत्र चल रहा है कि पेशेंट को डायलिसिस में डाल दो, कीमोथेरेपी में डाल दो, इंसुलिन डिपेंडेंट बना दो, ये भी एक तरह का ट्रैप है, ये भी गुलामी है। इस गुलामी से बाहर निकालने के लिए आज का दिन जो है 23 जुलाई, जो कि चंद्रशेखर आजाद जयंती है, बाल गंगाधर तिलक जयंती है, तो इस दिन को हमने चुना। तो खास बात यह है कि आज मेडिकल फ्रेटर्निटी के, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव, आयुष मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव, फॉरेन मिनिस्ट्री जो है नेपाल की गवर्नमेंट की, उनके रिप्रेजेंटेटिव, तो जो मेडिकल के अथॉरिटीज हैं, जो नियम कानून बनाते हैं, एक तरफ वो होंगे और एक तरफ ऐसे पेशेंट जो जिन्हें बोला जाता है ठीक नहीं हो सकता, तो वो होंगे और वो अपना यहाँ पे केस स्टडी लेके आए हैं, वो केस स्टडी हम प्रेजेंट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, PCN न्यूज।